गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी श्री विष्णु प्रसाद चांद गोटिया जी, गीता प्रेस के ट्रस्टी श्री बैजनाथ अग्रवाल जी, गीता प्रेस से जुड़े हुए अन्य पदाधिकारीगण और कर्मचारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जनों, आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर पाया। ये संयोग है या दैव योग है मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतना जरूर मानता हूँ कि पिछले जन्मों के कुछ पुण्य का फल जरूर है कि आज मुझे इस सौभाग्यशाली समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। इस शुभ अवसर पर गीता प्रेस से जुड़े सभी लोग, चाहे वो पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबको मैं बधाई देता हूं। यहां पर आने से पूर्व मुझे गीता प्रेस के सभी कर्मचारियों से मिलने का भी अवसर मिला। मैंने उनकी निष्ठा, ईमानदारी और सद्भावना इस प्रेस के लिए जो मैंने देखी वो अद्वितीय थी। उनकी निष्ठा, उनका अनुशासन, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसके पश्चात मुझे लीला क्षेत्र मंदिर के भ्रमण का भी सुअवसर प्राप्त हुआ और मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा था कि ये कल्पना जिन चित्रों को सार्थक रूप दिया है वो किसी इंसान की नहीं हो सकती है, ये कल्पना तो किसी दैव योग से ही, जिन चित्रकारों ने भी बनाया है उसे अद्भुत। और एक गीता की पांडुलिपि का भी मुझे देखने का सौभाग्य मिला, उसको दूरबीन से दिखाया गया। मैं हैरान था, एक छोटी सी, एक लगभग 6 इंच के डायमीटर में वो पूरी गीता का समायोजन किया गया है। ऐसा कौन सा इंसान तो नहीं हो सकता, यदि यह इंसान होगा तो इंसान के रूप में उस पर भगवान की कृपा जरूर रही होगी। अभी मेरे मन में विचार आया था कि ये जो बड़े बड़े काम होते हैं इस संसार में उसके पीछे दैवी शक्तियां होती हैं, और जब हनुमान जी का नाम आता है तो वो चाहे रामचरित मानस का हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो, दोनों युद्धों में, दोनों क्षेत्रों में हनुमान जी की अपना योगदान रहा है। उनके योगदान के बिना ये दोनों कार्य पूरे नहीं हो सकते थे। और मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि गीता प्रेस को भी आगे ले जाने में हनुमान जी की ही कृपा है, अर्थात हनुमान प्रसाद पोद्दार। देवी और सज्जनों, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए गीता प्रेस भवन में मेरा कभी नहीं आना, यद्यपि गोरखपुर आने का संयोग कई बार बना। मेरे जैसे सामान्य व्यक्तियों की एक अवधारणा थी, और अवधारणा केवल मात्र प्रेस की है कि भी एक प्रेस होगा, एक पुराना भवन होगा, सजाया गया होगा, खंडर होगा, जैसा भी होगा,
उसमें कुछ कर्मचारी होंगे, कर्मचारियों की कभी कभी हड़तालें भी होती हैं, इनकी भी हुई थी, लेकिन उसमें भी दैव कृपा से सब ठीक हो गया। लेकिन एक सामान्य जो अवधारणा कि प्रेस, प्रेस क्या होता है, एक प्रेस जहाँ पर मशीनें लगी होंगी, छपाई का काम चल रहा होगा, वहाँ पर उनका पुस्तकों का हो अथवा जो भी साहित्य निकलेगा उसका वितरण की क्या व्यवस्था है, बेचने की क्या व्यवस्था है, वो सब व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध होगी। लेकिन आज तो मुझे देखने को मिला कि ये गीता प्रेस प्रेस नहीं है, बल्कि ये साहित्य का एक मंदिर है। ये संभव नहीं हो सकता। प्रेस तो मुझे मशीनें देखने को नहीं मिली, लेकिन जो मशीनों को चलाते हैं या जो मशीनों को चलवाते हैं ट्रस्टी लोग, उनसे जरूर मेरी भेंट हुई। लेकिन मैंने एक अद्भुत चीज देखी, और अद्भुत वो कि ये सही मायने में नाम इसका गीता प्रेस है, लेकिन सनातन धर्म को यदि इसको बचाए रखने में, यदि हमारे मंदिरों और तीर्थ स्थलों का जितना योगदान है, उतना ही योगदान गीता प्रेस के द्वारा प्रोडक्ट किया गया साहित्य का। आज मुझे एक और प्रसन्नता हुई, जब मैं यहाँ आया, कई कार्यक्रमों में जाना संभव होता है तो अपने देखता हूँ अपनी बहनों और बेटियों के बारे में, सोचता हूँ उनकी संख्या कम होती है, और होती भी है तो कभी पीछे बैठने को मिलता है। लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला कि कम से कम आप लोगों ने न केवल स्थान दिया, बल्कि अपने से भी एक ऊंचा स्थान दिया। और इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं, वो केवल न केवल एक दैवी गुण या सद्गुण के कारण ही हो सकती है, जिस किसी के भी मन में आया होगा, अन्यथा एक इसका दूसरा रूप भी हो सकता था कि उनको आगे बिठा दिया जाता और ट्रस्टी लोगों को वहां बिठा दिया जाता, एक ये भी हो सकता था। लेकिन मैं इन ट्रस्टीज का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जिनकी इस प्रकार की सोच रही कि उन्होंने सोचा कि शायद ये मातृशक्ति की जो ऊर्जा है वो हमसे भी बढ़कर है, उनको उच्च स्थान कि वो हकदार। देवी और सज्जनों, भारत का इतिहास प्राचीन काल से ही अध्यात्म और धर्म से जुड़ा हुआ। हमारे देश के सम्राटों ने, राजा महाराजाओं ने प्रायः अपने अनुशासन में धर्म का भी पालन किया, और कहा तो ये जाता था कि धर्म और शासन दोनों एक साथ चलते, दोनों एक दूसरे के पूरक होते। आज वो दृश्य हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आदरणीय योगी जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं, और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। ये एक व्यक्ति में ये दोनों चीजों का समाहित होना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धर्म और अनुशासन के समागम से हमारी भारतीय संस्कृति का अद्वितीय और अनुपम स्वरूप उभरता रहा। इस अनुपम संस्कृति को संपूर्ण विश्व में सराहा भी गया। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारत की संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा हजारों वर्षों से अविरल चलती आ रही है, और भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बन चुकी है। मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान को जन जन तक ले जाने में गीता प्रेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने प्रकाशन के माध्यम से गीता प्रेस ने हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक प्रसंगों को जनमानस तक पहुंचाया। मुझे बताया गया है कि गीता प्रेस की स्थापना के पीछे मंशा थी गीता का प्रचार प्रसार और जन जन में भगवत प्रेम जागृत करना। इस कार्य को आरंभ करने का श्रेय श्री जयदयाल गोयंदका जी को जाता है। श्री जयदयाल गोयंदका जी को सेठ जी के नाम से वो उनको पुकारा जाता था। मुझे बताया गया कि ये उपनाम उनको संबोधन हेतु स्वामी श्री राम सुखदास जी ने दिया था, जो उनके सभी अनुयायियों में प्रचलित हो गया। देवी और सज्जनों,
भगवत गीता में एक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसका मैं इस सभा में जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। यम इमं परमं गुह्यं मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव ऐषति असंशय। अर्थात अत्यंत भक्ति से जो व्यक्ति इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों से कहेगा कि भगवान कृष्ण ने कहा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी श्लोक में आगे की पंक्तियों में ये भी स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति से न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है और न ही उससे बढ़कर मेरा प्रिय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई होगा। संभवतः इसी श्लोक की प्रेरणा स्वरूप सेठ जी ने कोलकाता में अपने कार्य के साथ ही सत्संग करना प्रारंभ किया। इन सत्संग सभाओं में गीता पाठ किया जाता था। उनकी यह सत्संग सभा क्रमशः लोकप्रिय होती गई और सत्संगों में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगी। सभी साधकों को स्वाध्याय हेतु गीता ग्रंथ की आवश्यकता थी, परंतु गीता की पुस्तक जो शुद्ध रूप और सही अर्थ से युक्त हो और सस्ती भी हो उस समय सुलभता से उपलब्ध नहीं थी। ये प्रायः देखा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और यह पुनः सिद्ध हुआ जब भगवद गीता को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की इच्छा और सामान्य जनता को उपलब्ध कराने की भावना ही गीता प्रेस की स्थापना का कारण बनी। तदोपरांत श्री घनश्याम दास जी जालान तथा श्री महावीर प्रसाद जी पोदार ने गोरखपुर में इस प्रेस को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जिसे सेठ जी ने स्वीकृति दी। 1923 में गीता प्रेस की स्थापना हुई जिसने धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तक के प्रेक्षण के कारण में एक नया इतिहास रचा। जिस जगह की नींव का उद्देश्य भगवत प्रेम और कथा का प्रचार प्रसार हो उसका नाम गीता प्रेस रखना स्वाभाविक ही है। इस प्रेस का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर प्रेम, सत्य सदाचार और सद्भावों के प्रचार हेतु मानव सेवा, सदग्रंथों इत्यादि का प्रकाशन करना। यह प्रेस भगवत गीता के अतिरिक्त रामायण, पुराण, उपनिषद, भक्त चरित्र इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित करता है। यह हम सब के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि कोलकाता से शुरू की गई एक छोटी सी पहल अब संपूर्ण भारत में अपने कार्य के लिए सुप्रसिद्ध हो गई। मुझे बताया गया है कि अपनी स्थापना से लेकर मार्च 2022 तक की अवधि में गीता प्रेस से भगवद गीता के विभिन्न संस्करणों की 1621 लाख प्रतिलिपियां प्रकाशित। इसके अतिरिक्त यदि हम रामचरितमानस, उपनिषद आदि पुस्तकों को सम्मिलित करें तो गीता प्रेस अब तक 70 करोड़ से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित करके एक कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। गीता प्रेस को हिंदू धार्मिक पुस्तकों का विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक होने का गौरव भी प्राप्त है। आर्थिक संकटों के दौर से उभरते हुए गीता प्रेस ने अद्वितीय प्रतिष्ठा उपलब्धि की जिसके लिए वो प्रशंसा के पात्र। कठिन दौर में भी जनमानस को सस्ते दाम पर धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए मैं गीता प्रेस को साधुवाद देता हूँ। इसके अतिरिक्त गीता प्रेस पत्रिका कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कल्याण का प्रकाशन 1926 से लगातार हो रहा है। इस पत्रिका के आद्य संपादक श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याण के विशेषांकों का संग्रह साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित स्थान है। कल्याण पत्रिका संभवतः गीता प्रेस के सबसे प्रसिद्ध प्रकाशनों में से एक है। ये भारत में अब तक सबसे व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली धार्मिक पत्रिका है। यहाँ पर मैं जरूर उल्लेख करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी ने भी किया, ये बात सच है कि मैं कल्याण का एक साधारण पाठक हूँ। मुझे प्रतिमा मिलती है और उसके लिए मैं गीता प्रेस के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन आज जब मैं लीला चित्र मंदिर का भ्रमण किया
और पूरे प्रांगण को देखा तो मुझे एक अनुभव हुआ कि आज की यात्रा मेरी अधूरी है। अभी मुझे एक बार और आना है। कब आना है ये संयोग दैव संयोग कब होगा, लेकिन मेरे मन की इच्छा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरी इच्छा ये जल्द से जल्द पूरी हो। देवी और सज्जनों, कल्याण पत्रिका जिसका मैं उल्लेख कर रहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का लेख प्रकाशित करने का भी सौभाग्य प्राप्त है। अपने प्रथम अंक में प्रकाशित इस लेख में गांधी जी ने लिखा था कि मनुष्य का धर्म है ईश्वर के निकट ले जाने वाली सर्व शक्तियों का विकास करना और तमाम प्रतिकूल शक्तियों का त्याग कर देना, यही उसका दोहरा धर्म है। गीता प्रेस अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से इसी लक्ष्य को जन सामान्य तक पहुंचाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। उनके प्रयास के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ हैं। देवी और सज्जनों, में एक बात का और भी उल्लेख करना चाहूँगा। गीता प्रेस के लगभग 1850 वर्तमान प्रकाशनों में करीब 760 प्रकाशन संस्कृत एवं हिंदी के, परंतु शेष प्रकाशन अन्य भाषाओं में भी, जिनमें गुजराती, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, तमिल, कन्नड़, असमिया, मलयालम, नेपाली, उर्दू, पंजाबी एवं अंग्रेजी भी शामिल हैं। इस बात से एक और पहलू उजागर होता है और वो है हमारी भारतीय संस्कृति का अनेकता में एकता का सिद्धांत। भारतीय संस्कृति में धार्मिक एवं आध्यात्मिक आधार पूर्व से लेकर पश्चिम से, पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक ही। यदि रामायण हिंदी में लोकप्रिय है तो तमिल और गुजराती में भी उतनी ही प्रसिद्धि एवं मान है। सामासिक संस्कृति का इससे बेहतर उदाहरण मिलना कठिन होगा, जहाँ एक ही कथा एवं विचारधारा अनेक भाषाओं में उपलब्ध हो और मान्य भी। इसी प्रकार गीता प्रेस परिसर का मुख्य द्वार भी हमारे देश की विभिन्नता और एकता को दर्शाता है। ये द्वार भारत की विभिन्न कलाओं एवं शैलियों का समागम है। कला के अतिरिक्त इस द्वार में भारतीय संस्कृति एवं धर्म की गौरवमयी गाथा भी निहित है। इस द्वार का उद्घाटन सन 1955 में, जैसा बताया गया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और मेरे पूर्ववर्ती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। हमारी संस्कृति का प्रतीक यह द्वार आज एक दर्शनीय स्थल भी बन गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस गीता प्रेस परिसर का मुख्य द्वार का आज मुझे दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। एक बात का मैं और उल्लेख करना चाहूँगा, वो ये है कि गीता प्रेस ने अपनी शाखाएं अब भारत की सीमाओं से बाहर भी स्थापित करने की योजना बनाई। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में गीता प्रेस ने अपनी शाखा आरंभ करके अपनी पहुंच को एक नई दिशा दी। मुझे बताया गया है कि विश्व के अनेक देशों में गीता प्रेस की पुस्तकें एवं प्रकाशन अत्यंत लोकप्रिय है। मैं आशा करता हूं कि गीता प्रेस की शाखाएं विश्व के अनेक प्रमुख देशों में भी स्थापित होंगी और पूरा विश्व भारत की संस्कृति और दर्शन से लाभान्वित होगा। मैं एक अपना अनुभव भी आप सबसे साझा करना चाहूँगा कि मैं जब विदेश यात्रा पर, राजकीय यात्रा होती है, तो वहाँ पर मैं इंडियन डायस्पोरा के साथ इंटरेक्शन करता हूँ, उनसे मिलता हूँ और उनसे बातचीत के माध्यम से ये सारी जानकारियाँ कि उनमें कितनी लालसा है, कितनी उत्सुकता है भारतीय संस्कृति को बनाए रखने की, उसको मेंटेन करने की, हमारे संस्कारों की, हमारे विचारों की, हमारी परंपराओं को, और उन सब का एक गीता प्रेस का साहित्य जो है वो एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना होगी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, और मैं चाहूँगा कि मेरा सेक्रेटरीट भी आपको इसमें मदद करेगा कि भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है, उनके जितने भी हमारे मिशंस हैं, एम्बेसीज है, हाई कमिश्नर्स ऑफिस है, उनमें भी आपके साथ में एक इंटरेक्शन करवा करके आपके साहित्य को अधिक से अधिक हमारे इंडियन डायस्पोरा के साथ
अंत में एक बार फिर मैं गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के आरंभ होने की आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और इस संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय।